रांची से राजकोट रॉ मटेरियल ले जाना हो या फिर दिल्ली की चाट को अहमदाबाद के खाखरे की याद आ रही हो, हमेशा अपनों को सपनों से जोड़ती है भारतीय रेलवे, जो समर्पित है भारतीयों के जज्बात और भारत के विकास के लिए। भारत ने बात समझनी होगी कि रेल ये भारत के लिए गति और प्रगति की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। रेल तो वही है, बस इंजन बदल गया और बदली सफर की दिशा। पिछले 2 साल में ब्रॉडगेज लाइनों के कमीशनिंग की गति बढ़ी, नव निर्माण पर खर्च पहले से 4 गुना बढ़ा, आर्थिक क्रांति को बहुत बड़ा बल देने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है तेजी से, जिसका 37% हिस्सा गुजरेगा गुजरात से। मिशन रफ्तार के तहत तीव्र गति की गतिमान और आधुनिक सुविधाओं से सज्ज हम सफर जैसी नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और जल्द ही पूरी तरह अनारक्षित, अंत्योदय और प्रीमियम यात्रा की सुविधा देने वाली तेजस जैसी नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। डिजिटल इंडिया के साथ शुरू हुए 100 से अधिक स्टेशनों पर फ्री वाईफाई कनेक्शंस, ई केटरिंग सेवाएं, SMS आधारित क्लीन माई कोच सेवा, साथ ही शुरू हुई 138 और 182 की ऑल इंडिया हेल्पलाइन सेवाएं भी, ई टिकटिंग की सुविधा भी बढ़ी और यात्री टिकट सुविधा केंद्र, पार्सल घरों आदि पर 10,000 POS मशीन्स भी लगाई जा रही है। भारतीय रेल सच में आधुनिक भारत का निर्माण कर रहा है। और हाँ, देश के पश्चिमी छोर पर बसा गुजरात भी तो यही कर रहा है। पिछले 2 सालों में गुजरात को विकास के एक और पड़ाव तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है भारतीय रेल ने। सिर्फ पिछले 2 सालों में 2,300 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं मंजूर की गईं और 13,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिन्हें दिसंबर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और भी नए प्रयोजनों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जी राइड का गठन भी किया गया, पर जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है, वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा है अहमदाबाद और मुंबई के बीच। 97,000 करोड़ रुपए के खर्च पर शुरू होने वाले इस ट्रेन प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा गुजरेगा गुजरात से होकर। देश को बेसब्री से इंतजार है अपनी पहली रेल यूनिवर्सिटी का भी, जिसका निर्माण भी होने जा रहा है गुजरात के वडोदरा में। पिछले 2 सालों में गुजरात में 14 नई ट्रेनें शुरू की गई, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई गई, राज्य में अलग अलग स्टेशन्स पर शुरू हुआ मैकेनाइज्ड क्लीनिंग भी, ओखा कानालूस ग्रीन कॉरिडोर का भी हुआ शुभारंभ। यहां से गुजरने वाली सभी 29 ट्रेन्स में लगे हैं 700 बायो टॉयलेट्स। हमने कहा है कि रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज करो, नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर 5-star 7-star होटल बना दो, मोटेल बना लो, मॉल बना दो, ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन के ऊपर आसमान पूरा खुला पड़ा है, उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो। प्रधानमंत्री जी के इस इनोवेटिव विचार को हकीकत बनाया जाएगा देश भर में 400 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करके, और गुजरात जिसने देश को विकास के कई मॉडल्स दिए हैं, उसके 21 रेलवे स्टेशनों का भी होगा कायाकल्प, जिसकी शुभ शुरुआत होगी सूरत और गांधीनगर स्टेशन के साथ। सूरत स्टेशन की बदलेगी सूरत जब यहां 645 करोड़ रुपए के खर्च पर बनेगा अल्ट्रा मॉडर्न अमेनिटीज के साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब, जहां देश में पहली बार सरकार के तीनों लेवल्स ने एक साथ शुरू किया है जॉइंट वेंचर। 61 मंजिल के ये 5 टावर्स यकीनन शहर की स्काईलाइन बदल कर रख देंगे, पर उससे भी पहले गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा देश के लिए एक मिसाल, जो गांधीनगर सेंट्रल विस्टा की स्काईलाइन बदल देगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का अनोखा उदाहरण बनेगा ये प्रोजेक्ट, जिसके प्रबंधन के लिए की गई है रचना गरुड़ की, गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध, ये स्टेशन होगा दिव्यांग फ्रेंडली, साथ ही रेलवे ट्रैक के ऊपर बनेगा देश का पहला होटल। 6, 8 और 10 मंजिले के इन 3 टावर्स में होंगे 5-star कैटेगरी के 300 कमरे, करीब 65 मीटर की ऊंचाई के साथ ये गांधीनगर की सबसे ऊंची इमारत होगी।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांधीनगर स्टेशन बनेगा हमारे स्केल, स्किल, स्पीड का विशेष उदाहरण। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे आम आदमी को रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। इसे ही तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भारतीय रेल, वाइब्रेंट गुजरात के वाइब्रेंट जंक्शन पर।